अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आज तकरीबन 19वां रोज़ा है और माशाल्लाह से हमारे कंपनी में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है और सबको इन्विटेशन दे रही है। अफ्तारी मतलब हम कोलीग्स हैं ना, उनके दरमियान अफ्तार पार्टी दी गई है। तो अभी हम आपको फिर बताते रहे कैसे हमारे अफ्तार पार्टी होती है और क्या क्या इंतज़ाम होते हैं। तो अभी यहाँ मेरे साथ कुछ कोलीग्स बैठे हैं, इनमें से मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ सलाम करो। ये है हमारे इसका नाम है असर की नमाज़ पढ़ ली और ये मेरा दोस्त है मोहम्मद हनीफ, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और ये हमारे रहमत भाई है, असर की नमाज़ पढ़ने से जमात मिस हो गई सुस्ती की वजह से, अभी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये अभी हम आपको बाहर चलिए दिखाते हैं। हमारे बाहर कभी बहुत ही प्यारा है। ये सामने जो इलाका है ना, ये पीएफ बेस से मशहूर पीएफ बेस एयरफोर्स वालों का इलाका है। अभी देख हर तरफ से खामोशी और एक पुरसकून सा माहौल है। ये पकौड़ों के लिए पेस्ट तैयार किया हुआ है, मक्खी इसके ऊपर उड़ रही है। ये आलू है, आलू बारीक बारीक कटे हुए, देखो। अगर इसकी रेसिपी सीखनी है फिर हमारे अगले ब्लॉग में मुझसे कांटेक्ट करना अगर इसकी रेसिपी सीखनी। और ये काबली पुलाव को दम पे लगाया हुआ है और ये क्या मुझे नहीं आइडिया नहीं, इसमें पकोड़े तलेंगे। और ये हमारे गुलाजम भाई है जो फ्रूट काट रहे हैं। ये गुलाजम है, गुलाजम गुलाजम ये हमारे बावर्ची खाने के ओनर है, उस्ताद है। ये कब से इसमें क्या क्या मतलब इसमें जो ना आधा किलो बेसन और इसमें जो ना बाकी जो ना कुछ इसका अपना मसाला जो आता है ना, अच्छा वो मिक्स मिला के और अच्छा क्या अंगूठी जल गई मेरे ख्याल से, अनाड़ी बंदा लगा हुआ अनाड़ी तो आप जो वीडियो कर रहे हो नहीं इसमें इस पतीले से हमें बहुत गरीब लग रहे हैं, हमें कढ़ाई में लेना चाहिए था बस। तो पहले अनाड़ी कर जो ना, देखो ये कुछ कुछ पकौड़े पल रहे हैं ना मेरे भाई। आप माशाल्लाह ये दस्तरखान बिछा दिया, ये पैसा ले रहे अजान का इंतज़ार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के बाद मिलेंगे आप।